पागले जन्म है बिटिया न कीजो। पूजन आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं राय बबूरी, आप सुरमा लगा रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, आप कितना सुरमा लगाएंगे? मुझे अच्छा लगता है इसलिए। मेरे भी लगा देना। ठीक है, जा अब आप खेलो। खान की जरूरत तो देखो, बढ़ाया था अपने छोटे भाई के लिए ईमान का रिश्ता लेने। तो अच्छी बात है ना, वो ईमान का रिश्ता लेके आया। होश में तो हो, हम खानदानी लोग हैं और खानदान से बाहर हम कभी भी रिश्ता नहीं करते। तो इसमें हर्जी क्या है? बकवास बंद करो, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो मर नहीं जाएगी। ये हमारे खानदान का वकार है और हमारी इज्जत है। मेरे चाचा के यहाँ बैठा हुआ है, उसकी शादी उधर कर। क्या? वो तो अभी 2 माह का है। तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो जवान होगा। मर्दी कोई उम्र नहीं देखी जाती। जाओ यहाँ से और उसको ये भी बोल दो कि इस जुम्मे को उसका निकाह है। इतनी जल्दी निकाह? कल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हारे भाई का फैसला साईं, मेरा ख्याल है तो बीबी का हक बख्शवा दो। हक बख्शवा दूं? जी हाँ साईं, आपके दादा परदादा सारू ने ऐसा किया था, और वैसे भी किसी गैर मर्द की हमारे बीबी के ऊपर नजर पड़े, ये नहीं हो सकता साईं। और मेरा ख्याल है उसकी कुरान से शादी करवा दो। कुरान से शादी? तो बेहतर है सर, मैं जा सकता हूँ? ठीक है कमदार, अब तुम जाओ। ये ही पहनना। ए अल्लाह,
तू जानता है क्या सही और क्या गलत। मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं। इस अजीम किताब को तुमने नसीहत के लिए उतारा, फिर तेरे बंदों ने ये मेरे साथ क्या किया। मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता, मुझ पर रहम कर। माँ तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई, मुझे भी अपने साथ ले जाती। बहुत थक गई हूँ मैं। दाता ऐसा ना कि जो अगले जन्म है बिटिया अगले जन्म मोहे बिटिया ना की।